करेंगे, बड़ों की इज्जत करनी सीखनी पड़ेगी, ऐसे ही खिलाड़ी नहीं बना जाता। एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए बहुत सारे गुणों की जरूरत होती है। मैं शुरू कराए ऑफिशियल नवीन भाई, टीम जो टीम पहले आगी वो टॉस भी देता है और ऑलरेडी चॉइस कॉल्ड होती दूसरी टीम की रेड मरा दिया। मैदान नंबर दो पर मैच समाप्ति की तरफ है, शिडान वर्सेस बुडान, शिडान वर्सेस बुडान। कई बार नाम लिखवाने वाले से गलती हो जाती है, गांव के नाम में कोई त्रुटि हो तो उसको भी दुरुस्त करा लेना और समझ जाना कि आपका ये गांव है। अनिल जी मैच क्यों नहीं शुरू हो रहा? मैच शुरू करा करो, कुछ तो टीम लेट करे कुछ आप। लाइटों की व्यवस्था है नीर, 40 टीम आली रिबाण लग रही है। मैच मत रुकने दो, लोगों को आनंद आएगा। क्वार्टर फाइनल, सेमी और फाइनल, ये हम कोशिश करेंगे एक ग्राउंड पर होंगे। जो लाल कलर की जर्सी में है जी, ये है मंगाली की टीम, मंगाली कौन से जिले में है दलाल साहब? हिसार में है। और दूसरी तरफ जो टीम है ये फरमाना, ये इधर वाला ही फरमाना, मैं वाला फरमाना। बहुत अच्छा लग रहा है गांव के अंदर, 40 किलोग्राम भार वर्ग के ये बच्चे बिल्कुल अच्छी स्किल दिखाते हुए आने वाले हमारा हरियाणा प्रदेश का ये भविष्य है। इन्हीं बच्चों में से शानदार खिलाड़ी निकलेंगे जो अपने गांव का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और शानदार जम, लेकिन उतनी ही अच्छी कैच की कोशिश और सफल कोशिश हुई। नारी और बरोड़ा में नारी की टीम विजेता रही, बिल्कुल काटे का मैच 18-21। ये रिकॉर्ड बेटा दलाल साहब को बता करो कौन सी टीम जीती। और ये सुरक्षित रखियो सारे रिकॉर्ड। भाई मैदान खाली है, मैदान नंबर दो, शिडान वर्सेस बुडान। अरे है क्या ये दोनों टीमें, कहाँ है? फिर वहां चलो मैदान नंबर दो पे, यहाँ क्या कर रहे हैं? अथवाड़े की टीम ने नहीं आना, टीम बोली मैंने शिडान वर्सेस बुडान, शिडान वर्सेस बुडान। उसके बाद एक नंबर पर होगा जी अथवाड़ा स्टेडियम वर्सेस बापोड़ा। भाई बुडान की टीम वाली शिडान की भी आ गई, मैच करवाओ। और ये अच्छी बात है, हमारी बेटी भी खेल रही है, क्योंकि 40 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतियोगिता है, हमारी बेटी भी अच्छा खेल रही। कई टीमों में हम देख चुके हैं लड़कियां भी खेल रही हैं, ये अच्छी बात है। आज हमारी हिंदुस्तान की बेटियां भी हमारे बेटों से कम नहीं हैं। एशियाड के अंदर हमारे गाँव की बेटी अक्षिमा बजाड़ ने चाइना की धरती पर गोल्ड मेडल लिया और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। गांव मकड़ोली कला में जिस प्रकार से 2006 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हेलीकॉप्टर के द्वारा सम्मानित करने के लिए पहुंचे थे नवीन कुमार उर्फ मीनू, जिन्होंने पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल लिया था, उसके 17 साल बाद
जो सूखा पड़ गया था गांव मकड़ोली कला में, अकाल पड़ गया था, उस अकाल को समाप्त करने का काम किया हमारी बेटी अक्सीमा बजाड़ ने। और उनके स्वागत करने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा जी आए और उन्होंने हमारी बेटी का मान सम्मान किया। 36 बिरादरी गांव मकड़ोली कला ने महर्षि दान स्पोर्ट्स क्लब के पावन मैदान पर पहुंचकर अक्सीमा, जो हमारी गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर है हमारे गांव की बेटी, उसका मान सम्मान किया। जो ये मैच चले हुए हैं उसके बाद मैदान नंबर एक पर अथवाड़ा स्टेडियम वर्सेज बापोड़ा, सुताना वर्सेज लाखन माजरा, ये चारों की चारों टीमें तैयार रहीं। सुताना वर्सेज लाखन माजरा, अथवाड़ा स्टेडियम वर्सेज बापोड़ा। उसके बाद अगली चार टीम बीकेडी बीरड वर्सेज डोब, शिलाना बी वर्सेज गोहाना शिव अकेडमी, ढोलाले मेरी खत्म होली पहले। अथवाड़ा स्टेडियम वर्सेज बापोड़ा, सुताना वर्सेज लाखन माजरा, ये चारों की चारों टीमें अपने आप को तैयार रखें, वार्म अप रखें। और भाई दर्शक भाइयों का भी, दर्शक आदरणीय जो हमारे दर्शक साथी हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं इस छोटे बच्चों की प्रतियोगिता को देखने के लिए। अपने जरूरी काम में से समय निकाल करके आप यहाँ पहुँचे, सभी दर्शकों का भी हम सम्मान करते हैं। डॉक्टर साहब हाँ, सिडान वर्सेज बुडान मैदान, बुडान की टीम हाथ खड़ा करे, बुडान की टीम वरी सिडान की। ठीक है बेटा, मैच क्यों नहीं शुरू हो रहा राजेश जी? मैदान नंबर दो पर टीम हारी, मैच शुरू कराओ। मैदान नंबर दो पर मैच शुरू नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। अनिल कुमार जी जिम्मेवारी लाओ, दलाल साहब रिकॉर्ड से मार रहे, थोड़ी बार में मैच करवाओगे, थोड़ी देर में मैच करवाओगे अनिल, एक बार रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा ना। यहाँ टीमों के नाम है और भी रिकॉर्ड है। भाई एंट्री की जिम्मेवारी किसके पास में है? हाथ खड़ा करें कमेटी का भाई, एंट्री फीस कौन जमा कर रहा है? क्या नाम है आप, नाम बताओ। साहिल, साहिल के पास करा भाई, एंट्री कौन कराने आया है? अरे एंट्री फीस कौन जमा करा रहा था, यहाँ कराओ सामने, इधर कराइए साहिल के पास। और वजन की बताओ, वजन में कोई छूट है? कमेटी बताए भाई एक बार खुल के, आधी किलो की 500 ग्राम की, ठीक है 500 ग्राम की छूट है, ताकि बच्चा खाना खा लेता है तो इतना बढ़ जाता है, यह छूट हमारी कमेटी ने की। इसके अलावा चाहे गांव का खिलाड़ी है चाहे बाहर का है, किसी के साथ में कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा। 500 ग्राम का मतलब है जी, कई बार बच्चा खाना खा ले आधी किलो वजन बढ़ जाता है। भाई स्टेज के आगे खड़े ना रहे बेटा, आपकी एंट्री एक बच्चा भी करा देगा स्टेज के आगे ना रहे,
आप भी स्टेज पर आ जाओ जी, स्टेज का गन्ना खड़े रहो। हथवाड़ा स्टेडियम वर्सेस बापोड़ा, ये टीम भी तैयार रही। सुताना वर्सेस लखन माजरा, राजेश जी दोनों साइड देख लियो आप। हाँ बोल रखे है, इस मैच के बाद में हथौड़ा स्टेडियम वर्सेस बापोड़ा। हाँ हथौड़ा की टीम दजी आ खड़ी, तैयार खड़ी है। बापोड़ा की टीम कहाँ भाई? बापोड़ा, बापोड़ा की टीम आ जाए स्टेज के पास, ये मैच समाप्ति की तरफ है। हथौड़ा की टीम दिया खड़ी। बापोड़ा मैदान नंबर एक पर अगला मैच होगा आपका, सुताना वर्सेस लखन माजरा। सुताना वर्सेस लखन माजरा मैदान नंबर दो पर बहुत सारी टीमें आई है और सूर्य की रोशनी में फाइनल मैच करवाना है। जल्दी बुला ले, एक मिनट का समय है ना, स्क्रैच कर देंगे। हथौड़ा स्टेडियम बापोड़ा मैदान नंबर एक पर मुकाबला होगा, इसी प्रकार मैदान नंबर दो पर सुताना वर्सेस लखन माजरा। हमारे युवा भाइयों का हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं, चाहे हमारे गांव की जो गुड वुमेन वेलफेयर सोसाइटी है उसकी बात की जाए, चाहे हमारे जो युवा कमेटी है जिन्होंने आज ये मुकाबले कराए इनकी बात की जाए, चाहे नव युवक स्पोर्ट्स क्लब की बात हो, चाहे महर्षि दान स्पोर्ट्स क्लब की बात हो, बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं आप सभी का। आप समय समय पर बहुत शानदार खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं जिसकी बदौलत हमारे गांव में, हमारे इलाके में अच्छी अच्छी जो खेल प्रतिभाएं हैं, जो छुपी हुई खेल प्रतिभाएं हैं, उनको अवसर मिलता है और उनकी स्किल डेवलप होती है जिससे अच्छे खिलाड़ी गाँव के अंदर उत्पन्न होते हैं। मैं बहुत बधाई देता हूँ हमारे सभी जो कमेटी के भाई हैं जिन्होंने उनकी अच्छी सोच को भी नमन करते हैं। इतना शानदार ये खेल मेला करवाने का आपने निर्णय लिया। भाई बंटी उर्फ नवीन जो पात्य शर्मा जी का बेटा है, साहिल नवीन रेलवे स्वर्गीय सुपुत्र हैं, ये स्वर्गीय सतपाल और पाली के बेटे हैं। विश्वजीत सिंह उर्फ विशु, ये भी स्वर्गीय सतपाल और पाली जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, अहम रुचि लेते थे वो भी इन खेलों में, आज उनके दोनों बेटे इस खेल प्रतियोगिता को संपन्न कराने में, आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हुए। इसी प्रकार शक्ति हमारा युवा भाई है,
बहुत बहुत स्वागत टिंकू सुपुत्र मेहताब सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज आर्मी से है जिन्होंने हमारे जो खिलाड़ी है 35 किट खिलाड़ियों की जो पोशाक होती है उन्होंने यहाँ पर वितरित की है हमारे बच्चों के लिए, बहुत बहुत स्वागत है। रोकी भाई हमारा बहुत बहुत स्वागत, महेश है, देवेंद्र भाई है हमारा और मंजीत उर्फ कोकी। अथवा टीम आ गई दूसरी है नहीं दवा कोर दे दो, बापोड़ा की टीम है क्या बापोड़ा? हेलो बापोड़ा की टीम है क्या? 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है बापोड़ा। भाई हेलो साउंड वाला भाई या तो आपके इस माइक की जो त्रुटियां उनको दूर कर लो आप। मैदान नंबर 2 भी खाली है, होने वाला है जी सुताना वर्सेस लाखन माजरा। यहाँ बापोड़ा की टीम है क्या बापोड़ा? बापोड़ा की टीम नहीं है जी, आप वॉक और दे सकते हैं। एक मिनट का समय दिया खेल कमेटी ने। अरे बापोड़ा का कोई खिलाड़ी सुन रहा क्या? एक मिनट का समय दिया था, 30 सेकंड रह गई है। बहुत पहले मैच बोल दिया था ऐसे हाथ करने से बात नहीं बनेगी। अभी 40 किलो के अभी से ये हाल है इनका। अरे बापोड़ा की टीम है तो दौड़ के आए। बापोड़ा एक खिलाड़ी हाथ खड़ा करे, बापोड़ा क्यों बेटा? बेटा बहुत पहले मैच बोला दौड़ गया हूं। टीम आ गई जी मैच करवाओ, नवीन भाई टीम आ गई मैच करवाइए। हाँ दोनों टीम आ गई मैच करवाओ, अनिल जी दोनों टीम आ गई मैच करवाओ। बस बेटा डर जाए। हाँ दोनों टीमें आ गई हैं। हथवाड़ा की टीम हाथ खड़ा करे, हथवाड़ा हाँ ये इधर हथवाड़ा की टीम है जी, दूसरी तरफ जो टीम है ये है बापोड़ा, बापोड़ा की टीम है और मैदान नंबर 2 पर जो मैच चला हुआ है वो बुडाण और सुडाणा के बीच में चला हुआ है। मैदान नंबर 2 पर अगली दोनों टीमें सुताना वर्सेज लाखन माजरा, सुताना वर्सेज लाखन माजरा मैदान नंबर 2 पर अंतिम क्षणों में मैच चला हुआ है। सुताना वर्सेज लाखन माजरा दोनों टीमें पहुंच जाए, उसके बाद में बीकेडी बीरड वर्सेज डोब, बीकेडी बीरड वर्सेज डोब, सिलाना बी वर्सेज गोवाना शिव शक्ति कबड्डी एकेडमी, शिव एकेडमी गोवाना वर्सेज सिलाना, ये टीमें भी अपने आप को तैयार रखें। रानीला ए वर्सेज शक्ति क्लब ए, आ
भाई यदि कोई टीम आई है और अपनी एंट्री जमा कराना चाहती है तो कमेटी ने एक बार फिर मौका दिया है आपको, उसके बाद में फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद में किसी भी टीम की कोई एंट्री नहीं ली जाएगी। और अगली चार टीम सुन लो, दो की बजाय चार, सुतारा वर्सेस लाखन माजरा, मैदान नंबर दो खाली हो चुका है, दोनों टीमें पहुंच जाए। सुताना की टीम हाथ खड़ा करे, सुताना लखन माजरा, लखन माजरा की टीम आली, सुताना ने स्क्रैच कर दो, नहीं आ रही तो सुताना भी आली तो ग्राउंड में आओ बेटा, वहां से हाथ मत करो। शिडान और बुडान का मैच अभी अभी खत्म होया है। स्कोरर भाई बता के जाग रहे, कौन जीते मैदान नंबर दो का स्कोर बताया करो। बुडान जीत की, नोट कर लीजिए जी। सुताना और लखन माजरा दलाल साहब मैदान नंबर दो पर आ गई है और मैदान नंबर एक पर मैच चला हुआ है बापोड़ा और अथवाड़ा स्टेडियम का। और अगले जो मैच होंगे वो होंगे बीकेडी बीरड वर्सेस डोब, सिलाना बी वर्सेस गोहाना शिव अकेडमी। हाँ जी दलाल साहब, रानी ला एयर शक्ति क्लब ए, यहाँ तक है बस, अगले दे दो तीन चार और। ओ है सेकेंड राउंड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि बिल्कुल करीम रह जाएगी, करीम छटके रह जाती है सेकेंड राउंड में, क्योंकि एक एक राउंड निकलने के बाद में अच्छी अच्छी टीमों के मुकाबले होने शुरू हो जाएंगे। आए हुए सभी दर्शकों को हम नमन करते हैं और ये निवेदन करता हूँ कि अगले जो राउंड होंगे ना इन छोटे बच्चों के, वो बड़े जो खिलाड़ी होते हैं उनसे भी अच्छा मज़ा आपको आएगा, ये मेरी गारंटी है, चाहे लिखवा के ले लो, इतना मज़ा आएगा आपको प्रो कबड्डी के सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल और फाइनल में भी नहीं आएगा, क्योंकि इन बच्चों की स्किल देखना आप, बहुत अच्छी स्किल है, सिचुएशन देखना किस प्रकार मैच में अपने आप को ये डालते हैं, कैसे परिस्थितियों का सामना करते हैं। हाँ भाई ढोल वाले उधर चले जाओ मुख्य सड़क पर मुख्य द्वार की तरफ, और विशु भाई एक किला पहले गाड़ी से उतार के स्वागत करके लेना है, यहाँ गाड़ी नहीं वहाँ से ढोल के साथ ले जाना है माला डाल करके। हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवी दानवीर भाई नवीन पुनिया और उनके साथी पहुँचने वाले हैं, मैं सभी स्वागत कमेटी से निवेदन करूँगा कि मैं मान के स्वागत के लिए पहुंच जाए, ये बताओ। और ये खिलाड़ी और टीम कोच नोट कर ले, एक पंचायत की टूर्नामेंट है ये, जिस खिलाड़ी के गर्दन पर मोर नहीं मिली ये सोच लेना उसको मोटराली पर छोड़ गए फिर, और पूरी टीम सेक्रेच कर दी जाएगी, इसीलिए चलाकी करने की का प्रयत्न ना करें, मकड़ोली गांव चलाकी को पकड़ लेता आराम से, कोई भी टीम दूर दराज से जो आ रही है वो ये चलाकी ना करे कि भारी वजन के खिलाड़ी को नकली मोर वगैरह बना के खिला दें, ऐसे नकालों से हम सब पहले ही सावधान हैं,
कृपया इस प्रकार की कोई कोशिश ना करे, नहीं तो आपकी पूरी की पूरी टीम को बाहर कर दिया जाएगा। साफ शब्दों में और हिंदी में आपको ये बात बताई गई है। ये मत कहना कि हमारे को पता नहीं था, आप सभी हमारे मेहमान हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा आप बिल्कुल ना करें जो खेल भावना के विपरीत हो। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा सभी टीम और सभी टीम कोचों से कि आप कोई भी इस प्रकार का कार्य ना करें जो इस प्रतियोगिता के लिए ठीक ना हो। और टीम सुन लो, अगली टीमें नोट कर ले, बीकेडी बीरड वर्सेस डोब, शिलाना बी वर्सेस गोहाना शिव अकेडमी। भाई बीरड की टीम कहीं नजर नहीं आ रही, बीकेडी बीरड बेटा इसी मैदान में मैच होगा, खाली होते आ जाना। और डोब की टीम, भाई डोब की टीम हाथ खड़ा करे, डोब की टीम, डोब की टीम। हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस। किसी टीम का यदि वजन बचा हुआ है तो अपना वजन करा ले, ठीक 15 मिनट के बाद में किसी का वजन नहीं होगा। टीम आ चुकी है 55-60। अब टीमों का तोड़ा नहीं हमारे पास में, यदि कोई टीम इधर उधर की बात करेगी, लेट लतीफी करेगी तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। हमें भी आसानी होगी और आपको भी, इसीलिए ऐसा कोई भी काम ना करें जो हमारे को ऐसा बनिए और इस प्रतियोगिता के खिलाफ हो। जिन टीमों की एंट्री नहीं हुई है वो एंट्री करवा लें, जिनका वजन नहीं हुआ है वो कृपया करके वजन करा लें। कथूरा की टीम अभी तक अपना वजन नहीं हुआ, आपका अपना वजन करा ले। कथूरा जिला सोनीपत अपना वजन करा ले। बीकेडी बीरड वर्सेस डोब, शिलाना बी वर्सेस गवाना शिव एकेडमी। ये गवाना शिव एकेडमी कहाँ है भाई? शाबाश बेटा, वेरी गुड। सिलाना सिलाना बी, अरे सिलाना बी, सिलाना की टीम है या नहीं है? सिलाना सिलाना सिलाना, और लाइव हमारी ये प्रतियोगिता चलती हुई, मैं आपको चैनल का नाम बताना चाहूँगा, लाइव स्पोर्ट्स 4x4, लाइव स्पोर्ट्स 4x4 पर यह प्रतियोगिता लाइव के माध्यम से चलती हुई। हाँ मैच बोल रखे अगला, ये टीम भी अरे खड़ी है, बीरड की टीम खड़ा है, बीकेडी बीरड यार रही भाई, देख टीम यार रही। और डोब की टीम भी हाथ खड़ा कर, देख कहाँ है ये रे डोब वाले भी, वेरी गुड भाई। डोब वाले नज़दीक आ जाओ मैदान के। कथूरा की एक टीम का वजन हो लिया, दूसरी टीम बची हुई है। कथूरा
कथूरा की टीम अपना वजन करा ले, एक टीम का हो चुका है, दूसरी टीम जो बची हुई नहीं तो हम ये मानेंगे एक की टीम है। ये दलाल साहब को बता बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है मकड़ोली धाम के बार में स्थापना दिवस के उपलक्ष में खेल मेला 2023 दिनांक 10 व 11 नवंबर गोगा मेड़ी धाम मकड़ोली कला की पावन धरा पर करवाया जाएगा। गोगा मेड़ी धाम में होने वाली महिला नेशनल स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता में श्री गोगा मेड़ी धाम धर्मास ट्रस्ट की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी इस भव्य खेल मेले में सादर आमंत्रित हैं, जिसमें पहला पुरस्कार 1,00,000 रुपए की धनराशि होगी, दूसरा पुरस्कार जो है साथियों 71,000 रुपए की धनराशि होगी, तीसरा पुरस्कार 51,000 रुपए, चौथा पुरस्कार 31,000 रुपए। इसके अलावा दूर दराज से आने वाली टीमों को उचित किराया भी दिया जाएगा और बहुत शानदार दोनों दिन 10 और 11 को बहुत अच्छा भंडारा भी होगा, बहुत सुंदर भंडारे की व्यवस्था की गई है। महंत श्री प्रदीप नाथ महाराज जी को का मेरी धाम आप सभी का स्वागत करते हैं, आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं। आने वाली 10 और 11 नवंबर को सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे गोगा मेड़ी धाम मकड़ोली कला की पावन धरा पर। दोनों टीम आ गई क्या? बीकेडी बीरड डोब, शाबाश बेटा, मैच कराइए नील जी। और शिलाना बी वर्सेस गोवाना शिव एकेडमी, आप मैदान नंबर 2 दलाल साहब अब मैदान की जिम्मेवारी भी ले लो आप। रिकॉर्ड अपने पास ही रखना आप दलाल साहब, क्योंकि ये बच्चे हैं जी, इनको नहीं पता है, इनकी सलाह जरूर ले लेना, लेकिन रिकॉर्ड आपके सुरक्षित हाथों में रहेगा। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवी दानवीर भाई हमारे बीच में पहुंचे, नवीन पुनिया और उनके साथी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें गांव मकड़ोली कला की इस पावन धरा पर। भाई नवीन कुमार जी, आपका और आपके साथियों का गांव मकड़ोली कला जो आपका ही अपना गाँव है, यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। भाई साहब का अच्छा बिजनेस है, प्रॉपर्टी की बात हो और चाहे किंगलैंड वाटर पार्क जो हिसार रोड मदीना टोल टैक्स के पास में आप देखते हैं, बहुत बड़ा वाटर पार्क है, उसके ये संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, एक बार ज़ोरदार ताली बजाओ मैं भाई के लिए, हमारे बीच में पहुँचे हैं। और मैं भाई नवीन पुनिया जी, वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, गाँव मकड़ोली कला में और मकड़ोली खुर्द में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, हमारा पाँचवा पन्ना ही है इसी गांव की से, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। ये छोटे बच्चों के खेल करवाए गए, हम आपको बता दूं, जिसमें बहुत सारी धनराशि इन खिलाड़ियों को इनाम स्वरूप दी जाएगी। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि मकड़ोली अपना गांव कबड्डी में जाना जाता है, अब धीरे धीरे जो है उसकी छवि जो है वो धूमिल हुई है कबड्डी में, उसके खिलाड़ी जो है निरंतर अब अच्छा प्रयास नहीं कर पा रहे, उस प्रयास को उस छवि को उस गांव में कबड्डी को उजागर करने के लिए हमारे युवा साथियों ने प्रयास किया है, 40 किलोग्राम भार वर्ग के खेल करवाए हैं, यहीं से बच्चे उभर करके हैवी वेट में जाएंगे और यहीं से नेशनल और राष्ट्रीय स्तर पर गांव का और देश का नाम रोशन करेंगे। आप जैसे समाज सेवी और दानवीर भाई अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके आज हमारी इस प्रतियोगिता में सहयोग करने के लिए आप पहुँचे हैं, हम गाँव मकड़ोली कला की तरफ से और मकड़ोली खुर्द की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा भाई विश्वजीत और अंकित भाई साहिल भाई से निवेदन करूंगा, हमारे मेहमानों को मैदान पर लेकर के जाएं और इन बच्चों को प्यार से और आशीर्वाद दिलाएं। जोरदार ताली बजाओ भाई खिलाड़ियों, बेटा जब भी मेहमान आपकी तरफ आए तो आप तालियां बजाते रहें, तालियों में कंजूसी ना करें, ऐसे समाज सेवी और दानवीर भाइयों की बदौलत आज कबड्डी के खेल जिंदा है। समय समय पर ये भाई
सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और जो भी भगवान की दया से इनसे बढ़ पाता है वो हमारी खेल कमेटी की मदद करते हैं, जिसकी बदौलत ऐसे ऐसे खेल मेले संपन्न होते हैं। भाई एक बहुत शानदार नजारा अभी कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं माना कि बोल दें, उसके बाद बोल देंगे, मैं बोल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैदान नंबर दो पर भी लाइन अप करें दोनों टीमों को। और बहुत शानदार नज़ारा गांव मकड़ोली कला की इस पावन धरा पर भाई नवीन पुनिया और उनके सभी साथी किंगलैंड वाटर पार्क हिसार रोड मदीना टोल टैक्स के पास पे बहुत अच्छा जो हमारे इस इलाके का रोहतक जिले का बहुत बड़े जो वाटर पार्क है उनमें ये शुमार है, जिस पर मैं आपको बता दूँ कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त बहुत बड़ी भीड़ रहती है। और जो स्कूलों के टूर की बात हो चाहे हमारे छोटे बच्चों के मनोरंजन की सुविधा की बात हो, बहुत शानदार उन्होंने ये व्यवस्था की है, आज हमारे बीच में पहुँचे हैं, बहुत बहुत स्वागत। अरे ढोल आ लो, रुक जागरो बेटा, जब मैं बोल रहा हूँ ना रुक जागरो, बैठ जाओ आप। भाई एक खिलाड़ी का फोन गुम हो गया है, यदि किसी को मिले तो आप स्टेज पर दे जाए, आपको उचित इनाम भी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भाई और आपके सभी साथियों का, आपने इन बच्चों को आशीर्वाद दिया और आपके प्यार से और आशीर्वाद में ही वो ताकत है जिसकी बदौलत ये खिलाड़ी आगे चल करके देश का नाम हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई नवीन पुनिया जी, आपके सभी साथियों का, आपके अपने गाँव मकरौली कला की इस पावन धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। रानी लाए शक्ति क्लब ए, ये टीमें अपने आप को तैयार रखें। बहुत बहुत स्वागत भाई नवीन पुनिया जी और उनके सभी साथियों का किंगलैंड वाटर पार्क हिसार रोड मदीना टोल टैक्स के पास में बहुत अच्छी संस्था आपने चलाई है, जिससे हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चों को पहले दिल्ली जाना पड़ता था या आसोदा जाना पड़ता था, आपने इस इलाके में इस प्रकार की बच्चों के लिए ये मनोरंजन की जो सुविधा की है, निश्चित तौर पर हमारे इलाके को अब कहीं इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं होती। भाई का हम यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। जाट बगोड़ा वर्सेस ड्रोन एकेडमी अटायल, अटावला लिखा हुआ शायद, ड्रोन एकेडमी वर्सेस जाट बगोड़ा। ये इसके बाद मांगला मैदान नंबर दो पर बेटा रानीला ए वर्सेस शक्ति क्लब ए, ड्रोन एकेडमी जो अटावला के अंदर स्थापित है उसका मुकाबला होगा जाट बगोड़ा। और मैं आए हुए मेहमानों को भाई संदीप पुनिया और उनके साथियों को बताऊं कि जो टीम प्रथम स्थान पर आएगी 21,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी।
जो टीम दूसरे स्थान पर आएगी 11,000 रुपये, और इसी प्रकार तीसरे स्थान पर आएगी उस टीम को भी पुरस्कार बेस्ट रेडर डिफेंडर, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है एक अच्छा खिलाड़ी बनने की। आज यहीं से ये बच्चे अच्छी अच्छी स्किल जो है लेकर के जाएंगे आगे। अगली चारों की चारों टीमें अपने आप को तैयार रखें। मैं बताना चाहूँगा हमारे सभी गणमान्य दर्शकों को और मेहमानों को भी, अभी तक 42 टीमें पहुँच चुकी हैं और 4-5 टीम हमारी कमेटी के संपर्क में भी है, यानी कि हमें अंदाजा है कि 55-60 टीम जरूर हो जाएंगी वजन की। और सूर्य की रोशनी में आज एक दिवसीय ये खेल प्रतियोगिता, आज इसका फाइनल मैच होना है। 8 बजे तक करा दो फाइनल, 6:30 तक भी करा देंगे। मर
मैं निवेदन करूंगा आदरणीय टेकराम जी और पत्ता शर्मा जी, आप आए और हमारे आए हुए मेहमानों का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी से मान सम्मान करें। पत्ता शर्मा जी, भाई विशु जी, सहयोग कीजिए आप, पगड़ी से मान सम्मान होगा नवीन पूनिया जी और उनके सभी साथियों का। मैं शर्मा जी, आप इधर आइए और नवीन भाई से निवेदन करूंगा कि आप मंच के बीच में आए, आपका स्वागत किया जाएगा पगड़ी से। हाँ टेकराम जी, आप भी आइए, आदरणीय टेकराम जी। ईब का कहाँ गए ढोल वाले, भाई जोरदार तालियां बजाइए हमारे मेहमान के स्वागत में। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी से मान सम्मान किया गया। इसके अलावा जो साथी आए अभी यही रही है आपका मेमेंटो और एक शॉल के साथ में स्वागत हुआ। खेल कमेटी भी आ जाए, मेमेंटो से स्वागत करेगी हमारी खेल कमेटी। हाँ ये समृति चिन्ह नवीन भाई आपको याद दिलाता रहेगा कि गांव मकरोली कला में आप आए थे और आपका मान सम्मान स्वागत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई नवीन पुनिया जी और उनके सभी साथियों का, आपने हमारा ये भेंट से प्रेम आपने स्वीकार की, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैदान नंबर दो पे टीम पहुंच गई जी, ड्रोन एकेडमी की टीम हाथ खड़ा करे, ड्रोन एकेडमी इसके बाद है बेटा आपका मैच। ड्रोन एकेडमी बेटा और क्या कर रहे हो, ड्रोन एकेडमी। हम मैदान नंबर दो पर चलिए, आपका मैच है। जाट बगोड़ा हाथ खड़ा करे, जाट बगोड़ा की टीम हाथ खड़ा करे। हाँ उसके बाद होगा ड्रोन क्लब का, उस मैच के बाद होगा बेटा। मैदान नंबर एक पर बताए भाई नवीन ने कौन सी टीम आ रही है यार। रानीला की टीम हाथ खड़ा करे, रानीला की टीम नहीं है क्या बेटा, ग्राउंड में क्यों आते, शक्ति क्लब यह आया हुआ है, ये मैच कराइए। उधर सिलाना की टीम हाथ खड़ा करे, सिलाना और गोवाना शिव अकेडमी। अरे मैदान नंबर दो में किसका मैच चल रहा है बता के जाऊ, यही है ना जो मैं बोल रहा हूं। मैदान नंबर दो का मैच बताएं जी किस किस के बीच में, एक बार आकर के नवीन ने ग्राउंड नंबर दो का मैच बताओ एक बार किस किस का है। ये छोटे बच्चे हैं बगैर मैच बोले भी आ जाते हैं। बीकेडी बीरड़गा डोब का हो चुका है। हाँ अब सेलाना भी और गवाना शिव अकेडमी, सिलाना बी और गवाना शिव अकेडमी, यो मैच होगा मैदान नंबर दो पे।
और मैदान नंबर एक पर है रानीला एयर शक्ति क्लब ए, ये मैच चलेंगे। उसके बाद में होगा जाट बगोड़ा वर्सेस ड्रोन एकेडमी अटावला, ये होगा मैदान नंबर एक पर। शक्ति क्लब बी रथवाड़ा स्टेडियम ए, ये होगा मैदान नंबर दो पर। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? मैच करवाओ जी मैदान नंबर दो पे, टीम आते ही मैच करवा दिया करो। इसके बाद में मैदान नंबर एक तो होगा, ठीक है? सभी टीम नोट कर ले, अभी जो मैच चले हुए हैं मैदान नंबर दो पर मैच है शिलाना बी और गोवाड़ा शिव एकेडमी। मैदान नंबर एक पर है रानीला ए वर्सेस शक्ति क्लब ए। इसके बाद जो मैच होंगे वो नोट कर लें, जाट बगोड़ा वर्सेस ड्रोन कबड्डी एकेडमी अटावला, ड्रोन कबड्डी एकेडमी अटावला। मैदान नंबर एक पर मैच होगा अगला मैच, और मैदान नंबर दो पर होगा शक्ति क्लब बी अथवाड़ा स्टेडियम ए। ये सभी टीमें नोट कर ले और मैच करा दिया करो जी। मनोज कुमार जी, टीम आई मैच कराया, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मैच करा दिया करो, टीम आते, जो टीम पहले आगी वो टॉस विजेता है, चॉइस अपने आप दे दो, उनकी कोर्ट की चॉइस रहेगी। मैदान नंबर एक के स्कोरर दलाल साहब है भाई, ये जितने भी खड़े हैं इनको बिठा दे, हमारे मेहमान बैठे हैं मंच पर, इनको भी मैच देखने मजा आता, कबड्डी के प्रेमी है। हाँ, या तो पीछे हो जाओ, बैठ जाओ बेटा, स्टेज के आगे तो बैठ जाओ, या स्टेज पर आ जाओ, आपको दिक्कत हो रही है तो बेशक आ जाओ, जगह मिल जाएगी, पर खड़े मत रहो, इस छोटे बच्चे ने भी बैठा दो बेटा, बैठ जाओ बेटा स्टेज के आगे तो। चालीस केजी के भाई, 40 केजी की। लखन माजरा का आर्यन बेटा, अपनी टीम के पास आ जाए, आपकी टीम जा रही है, अन्यथा आप यहीं रहेंगे फिर। आर्यन सुनो, जसमेर Yeah.
भाई ये स्टेज के आगे हट जाओ, स्टेज के सामने से। और भाई गांव वालों, बहुत बड़ी घोषणा हमारे बीच में, भाई नवीन पुनिया जो हमारा है पांचवा पाना है मकड़ोली खुर्द, जिसको हम प्यार से यहाँ से जब कहीं बाहर जाते हैं कोई पूछता है कि दो मकड़ोली, हम कहते हैं एक ही मकड़ोली है, दूसरा हमारा है पांचवा पाना है। भाई नवीन पुनिया और इनके साथियों ने मिल करके कबड्डी की भलाई के लिए इस प्रतियोगिता का जो दूसरा इनाम है 11,000 रुपये दिए। ताली मार दे भाई जोरदार, ईद कित गए वो ढोल वाले भाइयों के लिए जोरदार ढोल बजा दो जोश में होकर के। हम भगवान से गौ माता से आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं और आप इसी प्रकार दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। भाई दीपक पुनिया जी, आपका अपने ही गाँव में आपका अपना बड़ा गाँव बोला जाता है, ये आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11,000 रुपये का जो दूसरा पुरस्कार है वो आपने इन बच्चों को दान स्वरूप इनाम स्वरूप देने का आपने कार्य किया, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वेलकम। आपके सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और अगली चारों टीमें सुन लें, ड्रोन एकेडमी अटावला वर्सेज जाट भगोड़ा, शिव शक्ति क्लब बी वर्सेज हथवाड़ा ए। 11,000 रुपये की धनराशि भाइयों ने दान स्वरूप दे करके हमारे खेल मेले की शोभा बढ़ाई, आपका हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप अपने साथियों के छोटे से निवेदन पर यहाँ पर पहुँचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, बहुत बहुत स्वागत जी। आपने 11,000 रुपये की धनराशि दी, अपना कीमती समय दिया, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। बस बेटा रेस्ट कर लो। अगली चारों टीमें नोट कर लिया ना बेटा, ये जाट भगोड़ा हाथ खड़ा करे कहाँ ये टीम, और ये नाम ठीक करवा ले या ठीक लिख रखे हो तो मेरे को बता के जाओ। ड्रोन एकेडमी अटावला बेटा उधर पहुंच जाओ, यहाँ होगा आपका मैदान नंबर एक पर ही होगा, दो मैदान नंबर दो पर होगा शक्ति क्लब बी वर्सेज हथवाड़ा स्टेडियम ए। अरे कहाँ ये टीम है, शक्ति क्लब और हथवाड़ा स्टेडियम कहाँ है, हथवाड़ा स्टेडियम ए, दो नंबर मैदान पर अगला मैच है बेटा आपका। बाबा सुनो ना फिर सुनो, एक चक्कर कटवा इन गाड़े खड़े हो गए नहीं, पूरे ग्राउंड का चक्कर कटवा दे, बढ़िया कलाबाजी यह भी कलाकारी होती है, सबके बस की बात नहीं है, बजा दे और तीन चार रन और छका दे काम ज्ञान है। शाबाश बेटा, घूम जाओ चुपर देगा, कभी गेट की तरफ चले जाओ, शाम तक मत रुको। वह आर्यन सनोप जसमेर बेटा, आपकी गाड़ी जा रही है, नहीं तो यहीं रहना पड़ेगा भाई, इसकी रिश्तेदारी ही न रहने दो रहे, ठीक है चल लिया तो ठीक है। देखिए मैदान नंबर एक पर मध्यांतर हो चुका है, अगली टीमें जाट भगोड़ा वर्सेज ड्रोन एकेडमी अटावला, अपने आप को तैयार रखिए, जैसे ही ये मैच समाप्त होगा आपका मुकाबला प्रारंभ हो जाएगा।
उसके बाद मेरा निवेदन रहेगा मैदान नंबर दो के लिए। मैं अनुरोध करूंगा शक्ति क्लब बी वर्सेस अथवाड़ा स्टेडियम ए, ये टीमें भी अपने आप को तैयार रखें, वार्म अप रखें। दलाल साहब है, ये त्रुटि दूर कीजिए। ये जो जाट बगोड़ा है, ये बिन्नू महेंद्रगढ़ की टीम है। ये देखिए कहीं दूसरी तो नहीं है ये, ठीक है? ये आपने लिखवा था जाट बगोड़ा? भाई ये टीम और दूसरी तो नहीं है, कदे विवाद हो जा, यही है, ये बिन्नू महेंद्रगढ़ ही है। ये लिखा किसने फिर? ठीक है, इस मैच के तुरंत बाद है और इसकी 3 या 4 मिनट रह रही है। अगर टीम नहीं आई तो भाई महेंद्रगढ़ वाले सिगरेट कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे से मेरा गला दुखने लग गया और आप भी बताई हल्ले भी नहीं हो। जल्दी आओ, और बहुत खुशी की बात है दर्शकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि गांव में जो है कबड्डी खेल के साथ साथ में दर्शकों की भी रुचि कम हो गई थी। अब धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि गांव के अंदर जो दर्शकों में भी तादाद बढ़े और उनमें भी उत्साह हो कि गांव के अंदर खेल है। इसी प्रकार का खेल मेला आने वाली 10 और 11 नवंबर को गोगा मेडी धाम मकड़ोली कला के इस पावन धरा पर होगा, जो हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी महिलाओं की ओपन कबड्डी प्रतियोगिता होगी, जिसमें आप देखना हरियाणा प्रदेश की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सभी जहाँ जहाँ महिला कबड्डी खेली जाती है वो सभी टीमें हिस्सा लेंगी, जिसका पहला पुरस्कार आप सभी जानते हैं 1 लाख रुपए। अक्सर महिलाओं की कबड्डी में नहीं देखा गया कभी, 1 लाख रुपए की धनराशि गांव मकड़ोली कला के गोगा मेड़ी धाम पर आने वाली 10 और 11 नवंबर दो दिन दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता है हमारी, जिसकी अध्यक्षता करेंगे, साधुवाद और आशीर्वाद देंगे खिलाड़ियों को महंत प्रदीप नाथ महाराज जी, गोगा मेड़ी धाम मकड़ोली। सभी दर्शकों से और खिलाड़ियों से मैं अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, गोगा मेड़ी धाम पर माथा टेके और हिंदुस्तान की बेटियों की जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता है उसमें अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ही समय में हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है, कुछ ही समय में हमारे बीच में गोगा मेड़ी धाम मकड़ोली कला से महंत प्रदीप नाथ महाराज जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं स्वागत कमेटी से निवेदन करूंगा कि आप स्वागत की तैयारियां करें और
बजाड बिल्डर से भाई मोनू बजाड अपनी पूरी टीम के साथ कुछ ही समय में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। इन बच्चों को अपना आशीर्वाद देंगे, महाराज जी आपको साधुवाद देंगे। मैं स्वागत कमेटी से, युवा खेल कमेटी से निवेदन करूंगा कि महाराज जी के स्वागत की आप तैयारियां करें। और बीनू महेंद्रगढ़ वर्सेस ड्रोन कबड्डी एकेडमी अटावला, मैदान नंबर एक पर यह मैच समाप्ति की तरफ आइए। मैदान नंबर दो पर शक्ति क्लब बी अथवाड़ा स्टेडियम ए, ये टीम भी अपने आप को तैयार रखे, वार्म अप रखे। रेंडाड़ा का बेटे अभी जब होगा मैं बता दूंगा, पहले मैच होगा मैदान नंबर एक पर बीनू महेंद्रगढ़ ड्रोन एकेडमी अटावला, मैदान नंबर दो पर शक्ति क्लब बी अथवाड़ा स्टेडियम ए, उसके बाद में तलवंडी बादशाहपुर वर्सेस रुड़की, मतलोडा मिरल एकेडमी वर्सेस कुलासी, ये मैच होगा। अगले मैच बोल दिए तो छोटे खिलाड़ी हैं तैयार होगा आ जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारा मैच बोल दिया, इसीलिए बेटा जब आपका नंबर आएगा ना एक मैच पहले आपको बता दिया जाएगा। आप उतावले ना रहे, जिस टीम का वजन नहीं हुआ अपना वजन करा ले, और जिस टीम की एंट्री नहीं हुई है एंट्री करवा दे, बाद में किसी भी टीम की कोई सुनवाई नहीं होगी। बहुत ही शानदार मुकाबले चलते हुए, छोटे बच्चों के मुकाबले और बहुत बड़ा इनाम, अक्सर 11,5131 हम देखते हैं, लेकिन आज मकड़ोली कला की इस पावन धरा पर 21,11,5100 रुपये की धनराशि खिलाड़ियों को इनाम स्वरूप दी जाएगी। देखिए बहुत ही काबिले तारीफ यंग पर्सनलिटी भाई बिट्टू बजाड़ अपनी मीठी वाणी से किस तरह गांव और तमाम इलाके के हालात चलते चलते तमाम हिंदुस्तान के जितने भी नामी खिलाड़ी हुए हैं उनका किस तरह व्याख्यान किया, तफसील से बताया है, बार बार बधाई के पात्र। सबसे बड़ी खुशी की बात है साथियों, सुबह किस तरह सैकड़ों में तादाद और ऐसे ही रुचि के साथ तादाद बढ़ते बढ़ते हजारों की संख्या पर पहुंचना, इस बात का एक पुख्ता सबूत है साथियों। जिस तरह भाई साहिल बंटी रॉकी और भी उनके अन्य सहयोगी साथी हैं किस तरह संघर्ष से नौजवानों का सहयोग लेते हुए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आज ये ठोस सबूत आप लोगों के बीच में, हरियाणा के कोने कोने से बहुत ही उभरते हुए अच्छे खिलाड़ियों ने यहाँ हाजिर हुए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात हुई, चूरू जिला यहाँ से करीबन 200 किलोमीटर है, वहाँ के पखौली गांव से भी एक टीम आई है भाई, राजस्थान चूरू जिले, जहाँ बाजारों के 12 गांव हैं, उन्होंने बताया वहाँ बाजारों के 12 गांव हैं चूरू जिले में, तो उनका भी हम बार बार स्वागत करते हैं। इसके बाद दूर दराज से जितने भी ऑफिशियल पैनल से कंसल्टेंट जितने भी हमारे साथी आए हैं,
उनका भी हम स्वागत करते हैं, शुक्र गुजार हैं। और भाई बेटों ने बहुत कुछ बताया आप लोगों के बीच में, छोटी टूर्नामेंट मकड़ो लीजिए ऐसे दिसंबर बाद या जनवरी रोहतक जैसे ऐतिहासिक नगरी की तलट टीम बसने वाला जो मकड़ोली के नाम से जाना जाता है गांव, दोस्तों अपने आप में एक ऐतिहासिक छिपाए हुए है। हर बदलते दौर में नए नए आयाम और नई नई इबारते लिखने वाला मकड़ोली गांव, इसलिए 36 बरादरी ने यहाँ सहयोग दिया है। सब काम बार बार स्वागत करते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, अदा करते हैं। ऐसे ही सहयोग दीजिएगा साथियों, शांति और व्यवस्था अनुशासन इन तीनों को कायम रखने के लिए ऐसे ही काबिज करते रहिएगा और शाम तक ऐसे हरियाणा के अंदर भाई हरियाणा के अंदर रोहतक डिस्ट्रिक्ट में काम पड़ता है मकड़ोली, रोहतक के पास 5-6 किलोमीटर की दूरी पे काम पड़ता है मकड़ोली कड़ा, उस गांव के अंदर 40 केजी बेट कट के मकड़ोली में ये सिलसिला ये प्रतियोगिता से नहीं हरियाणा 80 साल से चलते आ रही है दोस्तों। जब हरियाणा पंजाब एक होता था तब भी गांव का बहुत बड़ा रुतबा होता था दोस्तों। हाँ मैदान नंबर 2 की टीम हाथ खड़ा करे, शक्ति क्लब भी, शक्ति क्लब शाबाश बेटा, अथवाड़ा अथवाड़ा स्टेडियम में शाबाश बेटा। मैदान नंबर 1 पर बीनू महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ की टीम हाथ खड़ा करे, शाबाश बेटा। ड्रोन अकेडमी अटावला, ठीक है जी, कराओ जी मैच कराओ, टीम आ गई है, टीम आते हैं मैच करा दो। जो ये 2-4 मिनट आप बिगाड़ रहे हो ना, ये सांझ न दुखेंगी फिर आपके, टीम आने से पहले मैच शुरू कराने की कोशिश करा करो। लो डॉक्टर साहब खेच दो भाई बेटे, उन्हें बता भाई ध्यान देने योग बातें हैं। करीबन 60 के आसपास हमारे बीच में टीमें आ चुकी हैं, बहुत दूर दूर से आई हैं। तो सबसे विनती की जाती है वक्त समय देखते हुए जितने भी टीमें साथ में आए हुए कोच विनती के साथ कहा जाता है, समय का ख्याल रखते हुए टाइम पंचुअल होना बहुत जरूरी है साथियों। देर सवेर हो जाएगी, रात हो जाएगी और दर्शक साथियों के बगैर कोई भी काम अधूरा रहता वो भी अधूरा रह जाएगा, इसलिए सिर्फ 2 बार कॉल होगी, 2 बार घोषणा होगी भाई। ये कमेटी ने भी हाल ही में मौजूदा टाइम में फैसला लिया है, अगर कोई भी टीम ढील बरती है उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। ध्यान रखें बस, सभी जितने भी कोच हैं खिलाड़ी हैं। ध्यान दे भाई, सबसे पहले खिलाड़ियों ध्यान देना, कोई भी घोषणा करते हमें तो ध्यान से सुने, बार बार जग जग ना करे, बार बार पूछने आते भाई ध्यान दिया करो, ध्यान से सुनेगा। तलवंडी बादशाहपुर वर्सेस रुड़की, तलवंडी बादशाहपुर वर्सेस रुड़की, उसके बाद मतलौडा मीरल एकेडमी कोलासी, मतलौडा मीरल एकेडमी कोलासी, ये कोलासी सोनीपत के पास है, बड़ा नामी गांव है भाई कोलासी, ये बादरगढ़ के पास है, बादरगढ़ से करीबन 12-13 किलोमीटर। ये चारों टीमें तैयार है वे, ये चारों टीमें बिल्कुल तैयार हैं। और ध्यान दें हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े दानवीर आए हैं और शाम तक ऐसे ही समाज सेवी दानवीर खेल प्रमोटर, आप लोगों का मैच यह फर्ज सुबह से चलता रहा, आप लोग किस तरह दिली शिद्दत से दिली ख्यालात से किस तरह स्वागत करते हैं और खिलाड़ियों का उत्साह हौसला अफजाई करने के लिए किस तरह आवाज़ें आसमां तक पहुंचाते हैं, इसलिए जितने भी खेल प्रेमी गांव से हैं, दूर से हैं, नज़दीक से हैं, सबका बार बार स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और वक्त समय यूँ ही चलता रहता दोस्तों, वक्त समय का ख्याल रखते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, जिंदगी लंबी चौड़ी नहीं होती भाई दोस्तों, कदे सोचे को भाई 500,000 साल का लीज पर लेते हम, नहीं, थोड़े समय के दायरे में होती है। और इसका ख्याल रखते हुए सभी खिलाड़ी खेल प्रेमी सबसे विनती की जाती है भाई, सहयोग दीजिए जिसकी हम पूरी उम्मीद तकते हैं, ऐसे ही शाम तक सहयोग के बगैर कोई भी काम अधूरा है। और आप लोग तो बतौर काबिले तारीफ हैं, जस्ट लाइक एडमायरेबल पर्सन, जितनी भी तारीफ की जाए
कम पड़ती चली जाएगा साथियों। और शाम तक ऐसे ही आप लोगों को आने वाले कल गुजरात दौर मौजूदा हालात सबके बारे में अच्छी तरह से बताया जाएगा और चुटकुले वगैरह वीर योद्धा उनका भी जिक्र होता रहेगा। और शांति का दान दीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। और इसमें दोबारा फिर जितने भी हमारे ऑफिशियल बार्स हैं जिनमें शुमारी में किस तरह फहरिस्त आप लोगों की तरफ बैठती है, सुरेश दुलाल जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है, करीबन 27 साल से हरियाणा पंजाब में कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां दलाल साहब की शिरकत ना हो, बार बार बधाई के पात्र। उनके बाद भाई राजेश उर्फ मंचा, भाई लीला और बार से भी कई को साथी आए हुए, बार बार स्वागत करते हैं, शुक्रगुजार हैं। और ऐसे ही वक्त बैठता रहता साथियों, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा प्यार मोहब्बत से सलीके से। अब तक ये बहुत बड़ी बात है भाई, किसी भी खिलाड़ी ने कोई एतराज़ नहीं किया है, क्योंकि यह वर्षों से ही नहीं सदियों से इंसाफ चलता रहा है और आगे भी इंसाफ चलता रहेगा। और मंच के बिल्कुल सामने भाई दो जाबाजों के बीच में बढ़ता हुआ कड़ा मुकाबला, जिनके ऑफिशियल दलाल साहब तो अपने समय के बहुत ही, दोबारा फिर सुने भाई, तलवंडी बादशाहपुर वर्सेस रुड़की, उसके बाद मतलौडा मिरर एकेडमी वर्सेस कोलासी, ये चारों टीमें कई बार घोषणा कर चुके हैं बिल्कुल तैयार है भाई, क्योंकि ये दोनों मैच जो ना समापन की तरफ खत्म होने जा रहे हैं, इसलिए चारों टीमें बिल्कुल तैयार हैं। ये देखते हुए देर हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, दर्शक या कोई रहेगा नहीं तो देखने वाला कौन होगा, इसलिए हर खिलाड़ी का अपना फर्ज नैतिक तौर से जो ना फर्ज निभाते रहेंगे शाम तक। और जितने भी हमारे पास मेहमान आते मुख्य अतिथि समाज से भी, आप लोगों ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है साथियों, आप किस तरह बेताबी से इंतजार करते हैं और आने वाले मेहमान का किस तरह दिलो जान से स्वागत करते हैं, बार बार बधाई के पात्र बनते रहेंगे। और कोई भी टीम बाहर से ग्राउंड पर आती है भाई, गांव से या नज़दीक या गुमांड दूर दराज से, आप लोगों ने सुबह से किस तरह जोरदार तालियों से व्यक्ति आवाज से स्वागत किया है, इसके लिए भी आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और जिस तरह भाई बिट्टू भाई इतनी कच्ची उम्र में इतनी बड़ी शौर्य हासिल करना महज इत्तफाक नहीं है, बड़ा फख्र होता है, बड़ा गर्व होता है। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मकड़ोली धाम जो आज अपने परिचय का मोहताज नहीं है, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं, मत्था टेकते आशीर्वाद ले जाते हैं दोस्तों, इसलिए आने वाली 10-11 नवंबर को शायद हिंदुस्तान में कई इस तरह की प्रतियोगिता आप लोगों ने देखी होगी, शायद सुनी जरूर होगी। अब वही हालात दोबारा अपने धाम पर दोहराए जा रहे हैं, इसलिए सुबह वक्त से काम काज करके और 10-11 तारीख को धाम पर पहुंचना साथियों। और अब कुछ ही समय के दौरान में, इंजारी के दौरान में, महंत प्रदीप नाथ जी महाराज आप लोगों के बीच आशीर्वाद देने आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों से दोबारा विनती की जाती है जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें। अब मनोज बैठ जा बैठे। और भाई दोबारा फिर भाई अपने जितने श्रोतागण हैं खेल प्रेमी साथियों, कितनी शिद्दत से, दिल से, कितने उत्साह से हर कदम किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं, दोबारा फिर स्वागत उनका। ओ भाई ध्यान से सुने, अगर किसी भी खिलाड़ी दूर से है, अगर उसके दिल में कोई शकसुबा या मुगालता है, निकाल दीजिएगा साथियों। हर खिलाड़ी को पूरा राइट्स है, अधिकार हक हकूक दिया गया है, किसी हद तक भी अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर सकता है साथियों, उचित इनाम से नवाजा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ग्राउंड के बिल्कुल सामने देखिएगा दोस्तों, इनमें 3-4 लड़कियां भी खेलती हैं, लेकिन उनकी कारगुजारी प्रतिभा किस तरह आसमान की तरफ बढ़ती है, कितना उत्साह होता है, इसलिए बार बार उन लड़कियां का आभार व्यक्त करते हैं।
दोनों ग्राउंडों पर किस तरह बैठते हुए कदम, तमाम दर्शकों की किस तरह बैठती हुई नजरें, दिलों में जगह देते हुए तमाम खेल प्रेमी ऑडियंस। इस तरह के मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते साथियों, वक्त निकल जाता है, सिवाय पछतावे के इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता है, इसलिए वक्त की कीमत आंकिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। और जितने भी अपने सहयोगी साथी हैं भाई, सुबह से किस तरह लगन के साथ शिद्दत से किस तरह खेलोगे, आज उनको प्रतियोगिता आगे बढ़ा रहे हैं, चरम पर ले जाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, उनका भी बार बार स्वागत करते हैं। और जितने भी नौजवान बुजुर्ग सुबह से यहाँ अपना फर्ज समझ कर जो यहाँ इंतजाम किए हैं, मंच की शोभा बढ़ाई है, इलाके का रुतबा बढ़ा है, सबका बार बार स्वागत। और हमारे बीच में एक ऐसी विभूतियाँ दोस्तों, एक ऐसी प्रतिभा जिसका अब तक जिक्र नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, 1970 का दशक यानी कि आज से करीबन 51 साल पहले करतार सिंह मकड़ोली, जो उस दौरान में हरियाणा सेलेक्ट होते थे दोस्तों, करतार मकड़ोली उस जमाने में हरियाणा सेलेक्ट होते थे 1972 के दौर में, वो भी हमारे बीच में आए हैं, उनका बार बार स्वागत करते कृपया मंच पर आए। करतार मकड़ोली 1972 के नामचीन हरियाणा सेलेक्ट खिलाड़ी करतार सिंह, बार बार बधाई के पात्र। और वह भाई नवीन जो बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, और अब ध्यान से सुने भाई, तलवंडी बादशाहपुर वर्सेज रुड़की, दोनों टीमें तैयार हैं भाई, बल्कि ग्राउंड पर आ जाए, मैं दोनों तलवंडी बादशाहपुर वर्सेज रुड़की, ग्राउंड नंबर एक पर आए, ग्राउंड नंबर खाली हो चुका है, और दूसरी मतलौडा मीर अकेडमी वर्सेज कोड़ासी, ये चारों टीमें दोनों ग्राउंड खाली हो चुके हैं, और इनके लिए सिर्फ एक मिनट का समय है भाई, अगर ज़्यादा ढील बरते तो बाहर का रास्ता होगा, फिर बाद में पछताएंगे और अपना कसूर नहीं मानेंगे, इसलिए दोनों ग्राउंड खाली हैं, और चारों टीमें एक मिनट के दौरान में ग्राउंड पर आ जाए, मैं बराए मेहरबानियाँ। चारों टीमें जल्द आए भाई, बहुत अच्छे भाई, टाइम पंचवल इस तरह होते भाई, मैच खत्म हुआ और इन्होंने फौरन हाजिरी दी है भाई, इसलिए दोनों टीमें बार बार बधाई की पात्र। और भाई साहिल, भाई बंटी जो बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, और किस तरह रुचि के साथ, सहयोग के साथ आप लोगों के बीच बढ़ता हुआ मनोरंजन, बार बार स्वागत करते हैं। और भाई सतपाल और झुंगा व चाचा, कोई भी खेल कहीं भी होता है, ये सोचते दिन व रात कोई फर्क नहीं पड़ता इनके लिए, वह हाजिर होते हैं, सहयोग देते हैं, बार बार स्वागत। वासा, कहीं भी 50 कोर्स पर भी कोई भी खेल आयोजन होता है, हाजिर होते हैं, बार बार बधाई के पात्र। टेकराम चौधरी, टेकराम बाजार, जो अपने समय के वॉलीबॉल के बहुत ही, बार बार स्वागत। और वह मनोज भी भाई, जस्ट लाइक पैरालाइज पर्सन मनोज, कितनी बढ़ती रुचि है भाई, वो भी आया बेचारा, उसका भी स्वागत करते हैं। और जिस तरह भाई पाता, बहुत बड़े समाज से हुए, जिस तरह अपना किसान आंदोलन चला ना दोस्तों, 13 महीने हर रोज ₹50 देते थे भाई, इसलिए बार बार बधाई के पात्र पाता पंडित समाज सेवी। और जिनका लड़का जो ना अपने परिचय का मोहताज ने दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों के सहयोग बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज ये पुख्ता सबूत है, दूर दराज तक खेल क्रीड़ा जगत में जिनका नाम बड़े आदर सम्मान से लिया जाता है, बार बार बधाई के पात्र। और अपना छंगा भी है, छंगा चौहान,
बार बार स्वागत। हर भाई भाई मंगल कहीं भी खेल होते क्रीडा जगत का कानों में भनक आती है वही पहुंचता है, बार बार स्वागत। जितने भी खेल प्रेमी हैं मंच पर हैं या दूर दराज बाहर बैठे हैं सबका बार बार स्वागत है। साथियों अपने जगदीश एज ए फॉरमैन रिटायर्ड सामने खड़े कृपा मंच पर आए, बार बार स्वागत। अब खेलों की तरफ जी सर, दोस्तों आप लोगों को वक्त के मुताबिक खेलों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जिस तरफ आई बी टी ने बहुत कुछ बताया। साथियों इसलिए देखिए यार साथियों मनोरंजन का होना बहुत जरूरी होता है। क्रीडा जगत तो कोई भी मैदान है, मनोरंजन का होना बहुत जरूरी होता है, गुनगुनाना बहुत जरूरी होता है साथियों। और कई तो भाई से भाई दूसरा बोलता हंसता ना हंसना तो दूर रहा, दूसरा हंसता भी ना स्वभाव को हंसा ना बराबर में नौका क्यों दंदरे काट रहा है, तो इस तरह की तासीर नहीं होनी चाहिए साथियों। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, जीवन मीठी प्यार ये कहते हो, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। अब मोहन डोबा, मोहन डोबे आला भाई कृपा मंच पर आए भाई, उसके रिश्तेदार बुला रहे भाई मोहन डोबा। और बस तेरेगा दोस्तों मुस्कुराते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, अंजाम देते रहिएगा। चाहे जिधर ले जाओ, जी चाहे डुबो दो मौजों में या साहिल पर ले जाओ, मैं टूटी हुई एक नैया हूँ मुझे चाहे जिधर ले जाओ। और भाई हर दर्शक साथी किस तरह चेहरे की भावनाएं बदलते हुए मुस्कुराते हुए, इसे साफ पता लगता भाई खेलों का रेशो और ग्राफ हर पल किस तरह आसमां को छू रहा है। इसके लिए दोबारा फिर जितने भी खेल प्रेमी हैं सबका स्वागत है भाई। और भाई ढोल वाले भी जो नए नए बच्चे हैं भाई बहुत बढ़िया शौक है, और बकती तोड़ कर रहे हैं जमा पा किते किते टके हैं, और इनका भी शौक पूरा कर रहे हैं आप लोगों का मनोरंजन, इसलिए ढोल वाले भी इनका भी बार बार स्वागत है।
अब इनसे अगली टीम भाई ऊंचाना भोंगरा, ऊंचाना वर्सेस भोंगरा, ऊंचाना वर्सेस भोंगरा। इनके फौरन बाद तत्काल दोनों टीमें तैयार हैं, उसके बाद दूसरे ग्राउंड के लिए, यानी कि दोनों ग्राउंड चल रहे हैं भाई। चारों टीमों की घोषणा की जाती है, उसके बाद मकड़ोली डीएससी बी वर्सेस कुवारी। ये कुवारी हिसार जिले में दोस्तों गांव है, बहुत ही चर्चित गांव है। ये सभी टीमें बिल्कुल तैयार हैं भाई, और ग्राउंड नंबर एक पर मैच समाप्त भाई। विजेता टीम प्लीज बताएं, हाफ टाइम हुआ है, स्कोर बताएं। चलो हाफ टाइम सही भाई, स्कोर बताएं भाई। 7-9 का स्कोर भाई, यानी कि कांटे की टक्कर, बढ़ता हुआ कड़ा मुकाबला, देखते रहिएगा। हर बात चुटकुले भी होने चाहिए, बेका दे दो भाई, दो भाई दे भाई, एक भाई बह नहीं रखा था, दूसरे के तीन छोरी थी भाई। खुदाना खा ओ बड़े लड़े, खुदाना खास्ता वो जिसके तीन छोरी दे, वह मालिक ने प्यारा हो जाए। बिन्ने बिन्ने छह बीत गए भाई, और वो खागड़ ने देखा भाई, धात्री टोका टारी हो, घर में कदर हो। एक दिन वह उसकी बहू बोली, सुना बल्ला के बाबू, वो तो खट लखा है पाछे ने, है कहा सुना भगवान ने, एक न्यू छोरी छोरी जवान हो रही है, को छोरा छारा देख ले, न्यू बलई बली बड्डो का था, हाँ न्यू और बता दे किसा था ये। अक सुन ले छोरी, नौ दो नौ निकलना पड़े, पढ़िया लिखा हो, बुढ़िया खूड हो, सारे ठाट बाट हो, तो के बोला दांदे सुनियो भाई, मेरे तेरी कलवारी है, इतने ठाट से तो मैं नारा लूंगा। धन्य भाई, मनोरंजन भी होना चाहिए भाई। नंबर दो खाली है, मैं दोनों टीमें जल्द आए, कमान हरी अब। ओचाना ओचाना वर्सेस भोंगरा, कई बार घोषणा कर चुके हैं मैं, दोनों ग्राउंड खाली हैं, जल्द आए मैं टीमें। ऊंचाना वर्सेस भोंगरा, मकड़ोली डीएससी बी वर्सेस कुवारी। ध्यान दे भाई, दोबारा फिर रिपीट की जाती बात। मतलोडा मतलोडा मिरल अकेडमी वर्सेस कुलासी, कुलासी वर्सेस मतलोडा, दोनों टीमें। एक मिनट का समय, जल्द से जल्द आए ग्राउंड पे, सिर्फ एक मिनट का समय, दोनों टीमें जल्द से जल्द आए। मतलोडा मिरल अकेडमी वर्सेस कुलासी, दोनों टीमें जल्द आए भाई। ये जिनकी चारों टीमें घोषणा हुई, दोनों ग्राउंड, चारों टीमें ग्राउंड पर आ जाए भाई। बार बार जो ना कमेटी ने भी फैसला लिया है, बार बार घोषणा नहीं होगी, सिर्फ तीन घोषणा की जाएंगी, उसके बाद भी अगर ढील बरते हैं रास्ता बाहर का होगा। साथियों ध्यान से सुनते रहिएगा, और टाइम टू टाइम वक्त के मुताबिक ग्राउंड पर आते रहिएगा। घोषणा हो जाएगा, तुम बोर जाओगे भाई, बोर चले जाओगे, घोषणा हो जाए आ जाओ अपने कूद के।
ध्यान भी आ रहा भाई। हो भाई ओडो बेला मोहन भाई रिश्तेदार अगर पसीने आ गए बूझते बूझते के रास्ता भाई मोहन डो बेला जब उसके रिश्तेदार आ रहे तीन तकाचे दाजा भाई जल्द आए भाई जिनकी घोषणा की है ना भाई करीब करीब दूसरे ग्राउंड पर दोनों टीमें आ चुकी हैं और ये जो मैच होने जा रहा है जिनकी घोषणा होते हैं ना भाई ध्यान दिया करो वो टीम या बार बार पूछने आते हैं आवाज करीबन 20 किलो तक जाती है भाई इसकी माइक की आवाज जिस भी टीम की घोषणा होती है बगैर पूछे भाई ग्राउंड पर आ जा रहे तैयार हो गए हर वे मंच का सामी ध्यान दे जो मंच के सामने खड़े ना भाई कृपा करके मंच के सामने कोई भी व्यक्ति ना आए भाई क्योंकि जब मंच पर बैठे ना ये भी भाई अपना काम का छोड़गा रहे खेलों के लिए इनको भी खेल दे के ना मौका देते रहो भाई मंच के सामने कोई भीड़ भड़ाका ना करे ध्यान रखे बस अभी मामा